नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिलीप मौर्या है। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 6 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सभी प्रश्न आप सभी को किसी न किसी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 3 अगस्त 1914 को, ऑप्शन बी है 4 अगस्त 1914 को, ऑप्शन सी है 5 अगस्त 1914 को, ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1914 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 अगस्त 1914 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मनी में रक्त और लोह की नीति किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है लुडेनफोर्ड, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विक्टर हुगो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने इटली को एक गणराज्य राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ऑप्शन ए मैजिनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर एमुनियल, ऑप्शन डी कैबूर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैजिनी। क्वेश्चन नंबर 4, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1907। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1903। क्वेश्चन नंबर 5, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम कब गिराए गए थे? ऑप्शन ए 6 से 9 अगस्त 1945, ऑप्शन बी 6 से 8 अगस्त 1944, ऑप्शन सी 7 से 9 अगस्त 1945, ऑप्शन डी 8 से 9 अगस्त 1945। इसका सही उत्तर है 6 से 9 अगस्त 1945। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा द्वीप आइलैंड ऑफ क्लोवेस कहा जाता है? ऑप्शन ए है कैमरो द्वीप समूह, ऑप्शन बी पेम्बा, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी जांजीबार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जांजीबार।